और अमृतसर में पावन स्वरूप के मुद्दे पर हुए प्रदर्शन के दौरान हमले का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एसजीपीसी ने जारी किया। एसजीपीसी के मुताबिक जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने पहले हमला किया था और उसके बाद एसजीपीसी की तरफ से कदम उठाया गया था। एसजीपीसी की तरफ से हमले का वीडियो भी जारी किया गया। एसजीपीसी की तरफ से कहा गया कि पहले जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से शुरुआत की गई, पहल की गई। फोन लाइन पर तपिन जुड़ गए हैं मेरे साथ, हमारे संवाददाता। पावन स्वरूप के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल हो रहा है तपिन, ताजा जानकारी क्या इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, पहले जो है एक एसजीपीसी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको जो है उठे केस में से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर, क्योंकि वह पहले जो है उनकी तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद डिफेंस के मोड पर उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी, जिस तरह से उनकी टास्क फोर्स है उनकी तरफ से की गई थी, तो उसके बाद जो है काफी फजीहत हुई एसजीपीसी के पूरे मामले को लेकर। तो अब जो है जो आज एक वीडियो जो है वो रिलीज की गई है एसजीपीसी की ओर से, और कहा गया है कि वीडियो में साफ हो रहा है किस तरह से जो नंगी तलवारों के साथ जो है वो जो दूसरे विरोधी वहां पर पहुंचे थे उन्होंने किस तरह लहराई और वहां पर गाली गलौज की। और जी बिल्कुल, तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं एसजीपीसी की तरफ से। ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है। अमृतसर में पावन स्वरूप के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हमले का वीडियो सामने आया है और एसजीपीसी ने इस वीडियो को जारी किया है। कहना है एसजीपीसी का कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों की तरफ से हमला किया गया था, उसके बाद एसजीपीसी की तरफ से कदम उठाया गया। तो ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, एसजीपीसी की तरफ से जारी की गई हैं। पावन स्वरूप के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तपिन भी मेरे साथ जुड़े हैं। तपिन, अब क्या कहा जा रहा है इस वीडियो के सामने आने के बाद? एसजीपीसी ने तो वीडियो जारी कर कह दिया है कि पहले उस तरफ से पहल हुई थी, अब कैसे देखा जा रहा है इस मामले को? जी चलिए, संपर्क तपिन से नहीं हो पा रहा है तकनीकी दिक्कत की वजह से, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये जो वीडियो है वो जारी एसजीपीसी की तरफ से ही किया गया है और एसजीपीसी ने कहा है कि पहले दूसरी तरफ से पहल हुई थी उसके बाद हमने कदम उठाया था। तो दो दिन पहले ये पूरा बवाल देखने को मिला था, नाराजगी जबरदस्त देखने को मिल रही है। पावन स्वरूप लापता होने से जुड़ा ये पूरा मामला, नाराजगी लगातार, और दो दिन पहले जो बवाल हुआ था उसकी ये तस्वीरें, आज वीडियो जो है वो एसजीपीसी की तरफ से जारी किया गया है। एक्सक्लूसिवली आप जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर ये वीडियो देख पा रहे हैं। सत्कार कमेटी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था पावन स्वरूप चोरी होने को लेकर, नाराजगी जबरदस्त है और अब जो विरोध है वो लगातार तेज होता नजर आ रहा है। तपिन भी मेरे साथ जुड़ गए। तपिन, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें तपिन हम देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसजीपीसी ने तो साफ कर दिया कि पहल दूसरी तरफ से हुई थी, दो दिन पहले ये पूरा बवाल हुआ था और आज ये वीडियो आया है सामने। अब तक क्या कोई एक्शन भी इस पर लिया गया है अभी तक? जी अभी फिलहाल जो नहीं लिया गया, एसजीपीसी की ओर से कहा गया कि इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, जिस तरह से एसजीपीसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और लगातार विरोधी जो है कोई ना कोई इस तरह के। जी ठीक, तपिन आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सत्कार कमेटी की तरफ से ये प्रदर्शन हुआ था जिसकी ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। अमृतसर की हैं ये तस्वीरें, पावन स्वरूप से जुड़ा ये पूरा मामला, इस मुद्दे पर प्रदर्शन लगातार, दो दिन पहले ये पूरा बवाल अमृतसर में देखने को मिला था जिसका वीडियो एसजीपीसी की तरफ से जारी किया गया है। तो नाराजगी लगातार इस पर देखने को मिल रही है कई संगठनों की। पावन स्वरूप चोरी होने से जुड़ा यह पूरा मामला।